एमपी के राजगढ़ जिले की सारंगपुर तहसील में आने वाले ग्राम पंचायत खजुरिया हरी में लगातार 3 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते किसानों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। किसान भाई के पास में कुछ भी नहीं बचा है। वह भारी नुकसान किसान अन्नदाता अपनी खेती पर निर्भर रहते हैं, ऐसी खेती जो 4 महीने तना जान से अपने शरीर के पसीने को निचोड़ देते हैं, जो आज किसान भाइयों में अफरा तफरी मच रही है। बारिश होने की वजह से हर गांव के किसान आज मारे मारे फिर रहे हैं। किसान भाई अपने खर्चे को लेकर परेशान हो रहे हैं, वहीं गांव में किसान भाई आत्महत्या कर रहे हैं। जहां सरकार को किसान भाइयों पर तरस नहीं आ रहा, जो किसान भाई अन्नदाता अपनी खेती से फसल उगाकर सरकार चला रहा है, अगर किसान भाई फसल नहीं बोए तो खेती से अनाज नहीं होगा तो सरकार किस पर टैक्स लगाएगी। अभी किसान भाई अन्नदाता एक तरफ बैठ जाए तो यह सरकार कैसे चलेगी। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी जल्द से जल्द किसान भाइयों का मुआवजा राहत राशि देने की तैयारी करें। हर गांव, हर पंचायत में, हर तहसील में, हर जिले में निर्देश जारी कीजिए। इनका यह हाल हुआ किसानों का, किसान क्या करेंगे, ये पानी से बर्बाद हो चुकी है सोयाबीन की फसल। हमारे शिवराज सिंह जी मामा जी से हमारा निवेदन है कि दिवाली का त्यौहार आ रहा है, कैसे किसान दिवाली करेंगे, अब बताओ उनके बच्चे का पेट कैसे भरेंगे, क्या करेंगे किसान। तो हमारे शिवराज सिंह जी से निवेदन है कि हमें जल्दी से जल्दी, अगर और काम होता तो शिवराज सिंह जी बहुत जल्दी सुन लेते, अगर जल्दी से जल्दी शिवराज सिंह जी नहीं सुनेंगे तो किसान का पेट कैसे भराएगा और कैसे त्यौहार करेंगे। हमें मुआवजा और राहत राशि तुरंत 4 दिन के अंदर चाहिए। कैसे किसानों का हाल होगा, फांसी किसान नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे, फांसी लेके मर बस ये हाल है। बोलो शिवराज सिंह जी क्या करेंगे मामा जी। हम तो हमारे ग्राम खजुरिया हरी, ग्राम पंचायत खजुरिया हरी में ये हाल है, तहसील सारंगपुर, जिला राजगढ़। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ को आग्रह करूंगा कि खेतों में आके वो किसानों की हालत तो देखे, ये तबाह और बर्बाद हो गए। मंत्री खेतों में जाए, कीचड़ में घुसो, जब तक नहीं जाओगे इन खेतों में, महल में बैठ के ये अंदाज नहीं लग सकता कि नुकसान कितना हुआ है। फसल खराब नहीं हुई, किसान का भविष्य खराब हो गया, बच्चों की जिंदगी तबाह हो गई। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।